खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से। जितेंद्र शर्मा बने जेएसए प्रेसिडेंट, गोड्डा में खुशी का माहौल। झारखंड स्पोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद पर झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट के महासचिव जितेंद्र शर्मा के चुने जाने पर टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। गोड्डा जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ सचिव संथाल परगना प्रभारी सह स्टेट टेक्निकल डायरेक्टर सुरजीत झा ने बताया कि टेनिस बॉल क्रिकेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पद को सुशोभित कर चुके हैं। हथियार के बल पर गोड्डा में साध्वी से गैंगरेप, आरोपी कुख्यात अपराधी दीपक राणा गिरफ्तार। गोड्डा जिले में एक साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हथियार के बल पर अपराधियों ने साध्वी के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कल सुबह कुख्यात अपराधी दीपक राणा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के 36 वर्षीय साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बताया जाता है कि अपराधी दीपक राणा और उसके गैंग के 4 सदस्यों ने हथियार के बल पर साध्वी के साथ बीती रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक साध्वी बोकारो के रहने वाली है। बताई जाती है जनवरी माह में वे बनारस से गोड्डा आश्रम आई है। पोड़िया हाट में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत। सदर अस्पताल गोड्डा के आइसोलेशन वार्ड में उपचार के दौरान मंगलवार की सुबह पोड़ियाहाट के एक व्यवसायी की मौत हो गई। व्यवसायी कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। उन्हें 2 दिन से सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत की पुष्टि गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने की है। मृतक को मोक्ष वाहन द्वारा उनके घर तक पहुँचाया गया। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत की खबर सुनकर पूरे पोड़ियाहाट बाजार में मातमी सन्नाटा पसर गया है। लोग सांत्वना देने उनके घर पहुंचने लगे हैं। जिले में कोरोना के मरने वालों की कुल संख्या 6 हो गई है। बीते 4 दिन के 3 व्यक्ति की मौत कोरोना से हो गई है। युवा वकीलों को कानून का प्रशिक्षण देंगे रिटायर जज। झारखंड लॉयर्स एकेडमी जिला सहित प्रदेश के युवा वकीलों को न्यायिक सेवा के लिए प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए युवा वकीलों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है। 15 सितंबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के साथ वरीय अधिवक्ता युवा वकीलों को न्यायिक सेवा की तैयारी कराएंगे। साथ ही युवा वकीलों को कानून के बदलाव और नए कानून की जानकारी भी देंगे। कोटा के पोड़ियाहाट में 52 लोगों को लिया गया स्वाब। पोड़ियाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड 19 को लेकर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत कुल 52 लोगों का स्वाब सैंपल लिया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम रानी ने बताया कि सभी स्वाब के नमूने को गोड्डा भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तालाब खोदकर महिलाओं ने पाया जल संकट से निजात। पोड़ियाहाट प्रखंड के चरकाटाड़ गाँव के ग्रामीण महिलाओं ने कर दिया जो हुआ पहले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी, आज यह गांव का एक नजीर बन गया है। इन महिलाओं ने 2003 में ही जल संकट से निजात पाकर एक मिसाल पेश की है। देखते ही देखते एक दर्जन गांव में पोखर खुदाई का काम शुरू हो गया है। विशेष स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत 2013 में गांव में कुल 50 तालाब खोदा गया, जिसमें 27 छोटा तालाब और 23 सीपेज टैंक बनाकर यहाँ के ग्रामीणों ने प्रखंड के अन्य गाँव को प्रेरणा दी है। गढ़वा, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर महापाप से शर्मसार। एक तरफ झारखंड में आधी आबादी को हक दिलाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कई जिलों में इनकी इज्जत तार तार करने की कोशिश हो रही है। झारखंड अलग अलग इलाकों से महापाप की खबरों ने झकझोर कर रख दिया है। नहाए खाए आज सतपुतिया 100 रुपये किलो। जिले के विभिन्न बाजार में जीवतिया पर्व को लेकर काफी चहल पहल देखी जा रही है। पर्व को लेकर मंगलवार के दिन बाजार में रौनक देखने लायक थी। अन्य दिनों के अपेक्षा खरीदारी की संख्या में काफी बढ़ोतरी रखी गई। जीवतिया पर्व को लेकर सब्जी की कीमत आसमान छू रही थी। शहर के कई जगहों पर आने वाले मंडी में सब्जियों के भाव काफी ऊँचे रहे। समन्वय स्थापित कर काम करे पूरा। खबर देवघर से। समरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने तकनीकी पदाधिकारी, डीसी विपत्र, अनावध निधि एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले में विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, कल्याण विभाग, नगर निगम, सिंचाई प्रमंडल विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कराए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत डीसी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
छात्रों का शुल्क कम नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। खबर देवघर के मधुपुर से है। मधुपुर महाविद्यालय परिसर में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक छात्र नेता सुदामा यादव की अध्यक्षता में हुई। मधुपुर विद्यालय में चल रहे इंटरमीडिएट की नामांकन शुल्क कम करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में महाविद्यालय के प्रभारी आचार्य डॉक्टर पशुपति कुमार राय द्वारा फीस को कम करने को लिए दिए गए आश्वासन भी चर्चा हुई। पदभार ग्रहण करने के बाद पहुंचे बाबा दरबार। अनुमंडल पदाधिकारी का पदभार संभालने के बाद नव पदस्थापित SDO सह मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव सह पत्नी मंगलवार सुबह बाबा दरबार पहुंचे। मंदिर स्टेट पुरोहित श्रीनाथ मंडित व गोपाल महाराज ने वैदिक विधि से संकल्प व पूजा कराई गई। SDO ने बाबा का स्पर्श कर पूजन किया। इसके बाद माँ पार्वती, माँ काली सहित अन्य सभी मंदिरों में जाकर पूजा की। गोड्डा जिला के मुफसिल थाने के अंतर्गत कल रात एक साध्वी के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम होगा। मैं उस क्षेत्र के समाज के तमाम लोगों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने दोषी को पकड़वाने में पुलिस को मदद की, साथ ही पुलिस कप्तान की सजगता, पुलिस प्रशासन की तत्परता के लिए उन्हें भी बधाई देता हूँ कि मुख्य अभियुक्त को पकड़ के उन्होंने हवालात में बंद किया है, जेल खाने में बंद किया है। लेकिन कदम यही नहीं रुकना चाहिए, मेरा भी प्रयास होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, आला अधिकारियों से भी बात करूंगा, पुलिस कप्तान से भी हमने बात की है। इस केस का स्पीडी ट्रायल हो, जिस प्रकार इसी पुलिस कप्तान ने दुमका जिले के एक केस में महीने के अंदर ही सजा कराया था, इसी महीने के अंदर ही सजा करा करके कठोर सजा दिलाए ताकि फिर से कोई भटका हुआ लोग, अपराधी इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके। मुझे बेहद लगाव रहा है उस आश्रम से, एक बार नहीं दर्जनों बार उस आश्रम में जाने का मौका मिला है। पंकज बाबा से आत्मीय संबंध रहा है, वहाँ के तमाम साध्वियों से आत्मीय संबंध रहा है, हमारे घर पर आते जाते भी है। हम बाहर हैं, जल्दी ही वहाँ आकर के आश्रम की सुधि लेंगे, उन लोगों को साहस देंगे और प्रयास करेंगे समाज के तमाम उस क्षेत्र के लोगों से बात करके कि फिर से वो आश्रम व्यवस्थित तरीके से पूर्व की भांति जिस पुण्य काम में लगा है उस पुण्य काम में लगे रहे, समाज उन्हें मदद करेगा, पुलिस अपना काम करे। मेरा, हमारे तमाम समर्थकों का, पूरी सरकार का पुलिस को पूरा सपोर्ट है, वो अभियुक्तों को सजा दिलाए, कठोर सजा दिलाए, और कोई आड़े आएगा बीच में तो हम सब उनके साथ हैं। और हमें नहीं लगता कि कोई, मैंने तो यहाँ तक सुना कि मुख्य अभियुक्त के भाई पिता तक उन्हें देखने नहीं आया, यानी पूरा समाज अभियुक्त के खिलाफ है। मैं फिर से समाज के लोगों को भी बधाई देता हूँ, पुलिस की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आपने जल्दी पर्दा उठाया है इस घटना से। लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जाए, और यह चिंता का भी विषय बन चुका है कि दूसरी घटना एक महीने के अंदर इस प्रकार की आई है, ठाकुरगंगटी की घटना जहां एक गूंगी लड़की के साथ रेप, फिर उसकी हत्या और फिर यह घटना, एक चिंता का विषय बन गया है गोड्डा के लिए कि भाई समाज किस दिशा में जा रहा है, यह अपने आप में चिंतनीय है। बेहद चिंता होती है जब इन घटनाओं को सुनता हूँ।
समझने का प्रयास करता हूँ कि नौजवान किस दिशा में भटक रहे हैं। लेकिन कानून अपना काम करेगा, कानून का काम है सजा देना, पुलिस प्रशासन सरकार उसमें सहयोग करेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही दोषियों को सजा मिलेगी, तभी गोड्डा के लोगों को आत्मसंतुष्टि होगा। आइए ऐसे लोगों को हम समाज से भी बहिष्कार करें और सजा दिलाने में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते। रानीडी पंचायत के पथवारा गांव में महर्षि मही आश्रम में एक साध्वी के साथ सामूहिक रेप की घटना आज सुबह मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर मैंने तुरंत FIR कर दोषियों को पकड़ने का निर्देश मुसिल थाना को दिया था। SP साहब से मेरी बात हुई है और SP साहब को मैंने कहा है कि जिस हिसाब से ऐसी घटना मेरे विधानसभा में घटी है, वो कतई हम लोगों को इस पे अमल करते हुए वैसे दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और बिना किसी प्रेशर के जो भी व्यक्ति इस कांड में सम्मिलित हैं उन सभी को जेल में डालकर उनको सख्त सख्त सज़ा दिलवाना चाहिए। मेरे जानकारी में दीपक और आशीष यादव नामक दो युवक, जिसका नाम FIR में है, उसमें से एक दीपक का गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन प्रॉपर फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर और जांच के आधार पर और जो भी लोग इस कार्य में शामिल हुए हैं, जिनको सभ्य समाज में कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जो व्यक्ति इस कार्य में, इस घटना में शामिल हुए हैं, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके सख्त सख्त कार्रवाई और सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैंने SP साहब से बात कर कहा है। और वैसे लोग जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, वैसे लोगों का भी नाम सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे काम करने वाले लोगों को भी समाज जाने कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसके साथ साथ जिस हिसाब से साध्वी के साथ ये घटना गोड्डा विधानसभा में घटी और अन्य जगहों में जिस हिसाब से साधु संत महात्मा के साथ अत्याचार हो रहा है, वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये गोड्डा विधानसभा है, गोड्डा विधानसभा में हमेशा न्याय का राज होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण बनाने का हम लोगों का हमेशा एक प्रयास रहता है। और इस प्रयास में अगर कोई बाधा आती है, तो मैंने SP साहब से कहा है कि वैसे बाधाओं को चिन्हित करें और तुरंत बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के यहाँ पर काम करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है। मेरा आग्रह जो पत्रकार मीडिया के लोग हैं उनसे होगा कि महिला की गोपनीयता को बरकरार रखें, ताकि महिला के साथ जो इतनी घटिया घटना घटी है, उस पर हम लोग कम से कम एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, गोपनीयता के तहत ही कोई भी न्यूज़ प्रकाशन करें। और जिस हिसाब से गोड्डा विधानसभा अभी तक क्राइम से अछूता था, जिस हिसाब से पूरे झारखंड राज्य में क्राइम का और क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए चिंताजनक है। और गोड्डा विधानसभा में मेरा प्रयास रहता है और मेरी प्रायोरिटी है कि गोड्डा विधानसभा में झारखंड में क्या हो रहा है, उसके विपरीत गोड्डा विधानसभा में हमेशा न्याय का माहौल हो, अमन चैन शांति का माहौल हो, और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति ये सबसे पहले प्राथमिकता देता है कि गोड्डा विधानसभा में या फिर वैसी जगह जहां हमारी विधायक हैं या हमारा सरकार है, वहां पे शांति अमन चैन का माहौल हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गोड्डा विधानसभा को किसी की नज़र ना लगे। जिस हिसाब से झारखंड में अपराध हो रहा है, उस हिसाब से गोड्डा विधानसभा अब तक अछूता था। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ और साथ ही मैं SP साहब से भी ये आग्रह करता हूँ कि बिना किसी प्रेशर के गोड्डा विधानसभा में वैसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करें जो समाज के लिए एक तरह से बोझ हैं, समाज के लिए एक तरह से देखा जाए तो उनका योगदान कुछ नहीं रहता है और साथ साथ यहाँ पे वो अशांति का माहौल फैलाते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह होगा आप सभी से कि सजग नागरिक की तरह इस मुद्दे को संवैधानिक व्यवस्था में इस मुद्दे को उठाने का हर फोरम से प्रयास किया जाए। अगर हम लोगों को या फिर गोड्डा विधानसभा
में किसी भी घटना को हम लोग देखते हैं अपनी आंखों के सामने, तो निश्चित तौर पर आवाज़ उठाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।